सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हो और अपना बहुत ध्यान रख रहे हो। प्यारे बच्चों, कल हमने अभ्यास कार्य किया था ई और ई की मात्रा का, तो आज हम उसी को ही पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप सब खोलेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 33। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे और सबसे पहले फिंगर रखकर मैम के साथ में इसे पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे आप लोग। स्टार्ट बेटे। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। यहाँ जो वर्ण लिखे हैं वो बहुत उल्टे पुल्टे लिखे हैं, आपने उनको सही क्रम में लिखकर यहाँ सामने शब्द बनाना है। ध्यान से इनको रीड करो। प क छी ली। तो सोचो इन चार वर्णों से कौन सा शब्द बनेगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ लिखेंगे हम छी प क ली, छिपकली। ठीक है बेटा, मैम यहाँ ठीक से नहीं लिख पा रही हैं क्योंकि मैम ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हैं, बट आपको अपनी बुक में बहुत नाइसली एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गी री ल ह। तो यहाँ कौन सा वर्ड बनेगा। गी ल ह री, गिलहरी, स्क्विरल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्विरल। नेक्स्ट वर्ड इज ड की खी। तो बताइए यहाँ कौन सा वर्ड बनाएंगे हम। खी ड की खिड़की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वर्ड ज बी ली। तो बताओ इन तीनों वर्ड को ठीक से जोड़कर शब्द बनेगा बी ज ली, बिजली, बिल्कुल सही। तो अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उचित स्थान पर ई अथवा ई की मात्रा लगाओ। यहाँ आपको कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए हैं लेकिन उनमें ई और ई की मात्रा हटा दी है। आपने सही स्थान पर ये दोनों मात्राएं लगानी हैं। जहाँ पर ई आएगी आप वहाँ पर इक की मात्रा लगाओगे और जहाँ ई आएगी वहाँ पर आपने ई की मात्रा लगानी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सेंटेंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है राधिका। क्या राधिका नाम होता है। नो, इट्स राधिका। तो ध को हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। राधिका अपनी साइकिल चला रही थी। तो आपने देखा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मात्रा आई। राधिका अपनी साइकिल चला रही थी। ओके, आई एम इरेजिंग इट बेटा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। तब, तब नहीं होता, क्या होता है। तभी, रिम झिम, तभी रिम झिम बारिश आ गई। आपको मैम ने बताया था कि हमारा जो वाक्य होता है वो कहाँ पर जाकर एंड होता है, पूर्ण विराम तक। ठीक है, तो आपने पूर्ण विराम तक ये पूरा वाक्य पढ़ना है। ध्यान से देखो कहाँ कौन सी मात्रा लगाई। तभी रिम झिम
बारिश आ गई। ठीक है, रीड नेक्स्ट लाइन। वह डैश गई। क्या गई? बारिश में हम क्या हो जाते हैं? भीग। तो भ को कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की मात्रा। जब आप मुंह से बोल कर देखोगे आपको अपने आप मात्रा क्लियर हो जाएंगी, कहाँ छोटी की साउंड आ रही है और कहाँ पर बड़ी की साउंड आ रही है। वह भीग गई। डन बेटे, रीड नेक्स्ट लाइन। वह बीमार हो गई। बीमार वर्ड नहीं होता है, क्या होता है? बीमार। वह क्या हो गई? बीमार। ओके, तो ब को हम बड़ी ई की क्या लगा देंगे? मात्रा। डन, अंडरस्टूड? सबको समझ आया? वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखो। ये जो आपको एक एक अक्षर दिए हैं, आपने इनसे एक शब्द बनाना है। जैसे कि आपको ये दिया है खी, तो खी से मैम को एक शब्द बनाकर दिखाओ। क्या शब्द बनेगा खी से? बिल्कुल सही, खीरा। बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे बच्चे हो गए हो, सब बहुत अच्छे से रीडिंग कर रहे हो। नेक्स्ट इज ची। तो ची से कौन सा वर्ड बनता है? ची डी या चिड़िया। राइट, कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज छी। तो छी से क्या बनाएंगे हम? छी लका। एम आई राइट? आप चाहो तो कोई और वर्ड भी बना सकते हो। अगर आपके माइंड में छी से कोई और वर्ड आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज भी। तो भी से तो अभी अभी हमने बनाया था, वही बना दें। भीग। राइट, भीग। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो कि मैम ने भ के सर्कल पर स्लिपिंग लाइन नहीं लगाई है। ठीक है मैम, ये बात आपको बहुत बार बता चुकी हैं, ध थ और भ के सर्कल पर स्लिपिंग लाइन नहीं आती है। तो वर्ड बन गया भीग। नेक्स्ट इज ती। ती से क्या वर्ड बनेगा? ती न का, तिनका। राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वर्ड आ गया है बी। बी से आप बना सकते हो बीन। गुड, डन। सबको अच्छे से समझ आया? आपको आज सिर्फ इतना ही वर्क करना है बेटा, अपनी बुक में करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वर्कशीट को इसी वीडियो के थ्रू रिवाइज करेंगे और अपनी रफ नोटबुक पर ये वर्ड्स लिख कर देखेंगे, सिर्फ प्रश्न 8 वाले और प्रश्न 6 वाले। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपने अपनी रफ नोटबुक में लिखने हैं और जिनके पास बुक है वो बुक में ये पेज कंप्लीट करेंगे। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में उ की मात्रा के साथ। चलिए, बाय बाय।